हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोशन प्रियंका। आप लोग मेरा पिछले वाला वीडियो देखे तो पता चलेगा कि मैं मेरे पापा की हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए बेंगलुरु में नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस का मेन हेडक्वार्टर बोम्मासंद्रा आई थी चेकअप करने के लिए। तो वहाँ से लास्ट दिन पता चला कि पापा को ओपन हार्ट सर्जरी करना है, और उसी दिन हम लोग सर्जन से बात करके ऑपरेशन का डेट भी ले लिए थे, और उसके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके एस्टिमेशन कॉस्ट भी ले ही लिए थे। आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पापा को जिस दिन एडमिट करने ले गए थे उस दिन से जिस दिन डिस्चार्ज करके घर लेके आए वो उस दिन तक पूरा इन्फॉर्मेशन, हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या हुआ था, आईसीयू में कैसे ट्रीटमेंट किया गया था, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलते हैं, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पापा का जिस दिन एडमिट करने का डेट दिया गया था तो हम लोग उस दिन के पहले एक दिन गए थे। उस दिन हम लोगों को फाइनेंस का जो भी पैसा देना होता है वो पूरा क्लियर करना पड़ता है। मैंने हॉस्पिटल में जो एस्टिमेशन कॉस्ट दिया गया था वो पूरा क्लियर होने के बाद ही वो लोग नेक्स्ट दिन पापा को एडमिट करेंगे। हम लोगों का इंश्योरेंस था तो उस दिन बहुत टाइम लगा था, मतलब पूरा दिन ही लग गया था इंश्योरेंस का जो भी काम था। तो उस दिन सब काम कंप्लीट करके हम लोग घर आ गए थे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे टाइम दिया गया था पापा को एडमिट करने को। तो हम लोग उसी टाइम पे हॉस्पिटल में गए, एडमिशन हुआ पापा का, और उसी दिन था पापा का एंजियोग्राम। बिकॉज जो भी सर्जरी होता है उसके पहले एंजियोग्राम करना ही पड़ता है। 12 बजे टाइम था एंजियोग्राम करने के लिए, तो हम लोग हॉस्पिटल में रुके थे। 12 बजे के बाद पापा का एंजियोग्राम हुआ, डॉक्टर से बात किए, डॉक्टर रिपोर्ट सारे सब कुछ समझाया कि क्या क्या प्रॉब्लम है पापा का हार्ट में। ऐसा एक टेस्ट होता है हार्ट का जो इसमें आपको क्लियर पता चल जाता है कि कितना ब्लॉकेज है, कितना हार्ट का कंडीशन कैसा है, सब कुछ एंजियोग्राम में देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद हम लोग उसी दिन 4-5 बज गया था, हम लोग घर आ गए थे और पापा हॉस्पिटल में ही थे। नॉर्मल बेड में पापा को शिफ्ट किया गया था, और डॉक्टर से यही बात हुआ था एंजियोग्राम के 2 दिन बाद पापा का ऑपरेशन होगा, ओटी होगा, और उसी दिन मॉर्निंग में हम लोगों को पहुंचना है। तो आज वही दिन है जो वीडियो में मैं जो छोटा छोटा क्लिप्स दिखा रही हूँ वो है ऑपरेशन का सुबह। तो सुबह हम लोग 7-8 बजे पहुंच गए थे, बिकॉज हम लोगों को बहुत जगह में साइन करना था, तो उस साइन के लिए हम लोग पहुँच गए थे, और पापा को भी रेडी किया जा रहा था सर्जरी के लिए। और इस हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा सुविधा यही है कि आप लोग बाहर से आए तो हिंदी में बात करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिस्टर डॉक्टर आप लोगों के साथ हिंदी और बंगाली, कन्नड़, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में बात कर सकती है। सर्जन है डॉक्टर रविंद्र शेट्टी, और उनका ही 2-3 असिस्टेंट डॉक्टर भी है, तो उन लोगों के साथ बहुत टाइम तक बातें हुआ हम लोगों का कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के टाइम पे क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या नहीं। बोले कि 20% एरर हर ऑपरेशन में भी होता है, तो वो मान के ही चलना है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके साथ डॉक्टर जो भी था वो लोग एकदम प्रोसेस भी समझा रहे थे, एवीआर कैसे किया जाता है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, मैकेनिकल वाल्व क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एक ब्लड थिनर पूरा लेना पड़ेगा, पूरा साल लेना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारे बातें वो लोग शेयर कर रहे थे और हम लोगों को भी अच्छे से समझा भी रहे थे। तो ये तो बात हो रही थी, और उसके साथ पापा को बहुत सारे टेस्ट, मतलब सुबह से आज ओटी है, सर्जरी होगा, इसलिए सुबह से शुगर टेस्ट, प्रेशर चेक इन, एक्सरे, सीटी स्कैन, सब कुछ एक साथ किया जा रहा था। और जो भी असिस्टेंट डॉक्टर थे वो लोग बार बार आ रहे थे, जो भी टेस्ट हो रहा था उन लोग उस सब रिपोर्ट चेक कर रहे थे। तो जो उन लोगों का ऑफिशियल काम रहता है, मेडिकल काम रहता है, वो पूरा चल रहा था। तो इसी दौरान हमें एक फ़ोन आया कि जिस पेशेंट का ऑपरेशन होता है, ओटी होता है, तो उस पेशेंट के घर से 3-4 बॉटल ब्लड देना पड़ता है। तो उसी कारण हमें फ़ोन किया गया, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर ब्लड देने।
तो ऐसा कोई जोड़ नहीं है कि देना ही पड़ेगा नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो अच्छा सिस्टम है ना, बिकॉज ब्लड बहुत ही लगता है। तो एक फॉर्म दिया गया था मुझे, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं ब्लड भी दिए और उसके बाद चले आए फिर पापा से मिलने। तो अभी जो मैं देख रही हूँ बहुत काम आगे हो गया था। पापा का ओटी था 2 बजे, तो अभी 12 बज रहा था। तो ओटी से एक बेड भी आ गया था पापा को ले जाने के लिए, तो पूरा रेडी था अब ओटी में जाने के लिए। वहाँ से डॉक्टर ने बोले थे कि आप लोग वेट कर सकते हैं बिकॉज ऑपरेशन शुरू होगा 2 बजे और टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा, 8 तो बज ही जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर वेट कर सकते हैं, बाहर खाना पीना कर सकते हैं, नहीं तो घर भी जा सकते हैं। तो हम लोग के अंदर टेंशन हो रहा था इसलिए हम बाहर ही थे, चाय कॉफ़ी नाश्ता सब कुछ कर लिए थे। अभी शाम को 7:30 हो गया था और ऑपरेशन ओटी से ही कॉल आया कि पापा का ऑपरेशन कंप्लीट है, आप लोग आके आईसीयू में पापा को देख सकते हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। वो लोग बोले थे 8 बजे, लेकिन उसके पहले ही पापा का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग गए थे और दो तीन मिनट हम लोगों को टाइम मिला था देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर टाइम नहीं दिया जाता। तो उसके देख के घर आ गए थे और नेक्स्ट दिन सुबह फिर से मिलने को गए थे आईसीयू में। मेरे पापा आईसीयू में 2 दिन थे और 2 दिन ही हम लोग 10 बजे तक गए थे वहाँ पर मिलने को, और मिलने का टाइम था 5 मिनट्स तक, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज सारे क्रिटिकल पेशेंट ही आसपास में थे, बिकॉज दिस इज़ आईसीयू, तो वहाँ पर 5 मिनट्स के लिए देखने को मिलता है और उसके बाद घर चले आना होता है। तो यही ऐसे 2 दिन का होने के बाद फिर से कॉल आया कि पापा को हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो आईसीयू से बहुत लोग हैं जिसका बाईपास होता है, वो लोग डायरेक्ट नॉर्मल जनरल बेड में जा सकता है, लेकिन पापा का आईवीआर हुआ था तो थोड़ा क्रिटिकल था, इसलिए पापा को शिफ्ट किया गया था आईटीयू। पर डबल शेयरिंग का रूम होता है और पेशेंट के साथ पेशेंट के घर वाले, एक घर वाले वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईटीयू में हम एक दिन पूरा दिन रात एक दिन रुके थे पापा के साथ, और उसके साथ डॉक्टर भी 2-3 बार आके चेकअप कर रहे थे, और फुल एक नर्स दिया गया था जो नर्स 2 पेशेंट का टेक केयर कर रहे थे। हार्ट का कोई भी ऑपरेशन सीरियस होता है और इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत क्लीन था हॉस्पिटल, एकदम साफ सुथरा, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर हुआ। तो आईटीयू में पापा एक दिन रुके, तो उसके बाद पापा का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ नेक्स्ट दिन। तो डॉक्टर से बात कर लिए और डॉक्टर बोले कि पापा को अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तो 4th डे में पापा को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। जनरल वार्ड में जो हम लोग लिए थे वहाँ पर फोर पेशेंट रह सकते, उसके साथ एक अटैच वाशरूम था। आईसीयू आईटीयू में तो बहुत अच्छे से टेक केयर किया गया था, कोई इशू नहीं था वहाँ पर। जनरल वार्ड में जब पापा शिफ्ट हुए वहाँ पर भी बहुत अच्छे से टेक केयर किया गया था। हर दिन 2 टाइम करके ब्लड टेस्ट होता था, डायबिटिक्स के डॉक्टर आ रहे थे, उसके साथ डाइटिशियन विजिट कर रहा था, सीनियर डॉक्टर भी 2-3 टाइम आके पापा से पूछ रहा था तबीयत ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं कोई दर्द है, कोई इशू है, सब कुछ बार बार ये लोग पूछ रहा था। उसके साथ हम जब जाते थे विजिटिंग आवर में दो बार जाने का अलाउ है वहाँ पर, सुबह एक बार और शाम को एक बार। तो हम शाम के टाइम पे जाते थे, उस टाइम में जो सर्जन था उनका जो असिस्टेंट डॉक्टर था वो उन लोगों के साथ बात भी कर सकते थे कि पापा का कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कब हम घर ले जा सकते हैं, तो ऐसे सब कुछ वो लोग डिटेल्स में बात करते थे। तो पापा वहाँ पर और भी 4 डेज रुके, उसके बाद हम पापा को डिस्चार्ज करके लेके चले आए। डिस्चार्ज के टाइम पे डॉक्टर ने पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के दे दिया था कि 1.5 मंथ्स के लिए जो जो मेडिसिन लेना पड़ेगा वो सारे मेडिसिन का लिस्ट, कैसे क्या क्या खाना है, का क्या क्या खाना नहीं है, ये पूरा लिस्ट बना के हम लोगों को दिया गया था। और नेक्स्ट जो विजिट करना है, फॉलो अप करना है, वो था 1.5 मंथ्स के बाद।
डिस्चार्ज के टाइम पे हम लोग का जो कॉस्ट एस्टिमेशन दिया गया था उससे ज़्यादा और कुछ पैसा हम लोग को देना पड़ा, बिकॉज़ इंश्योरेंस के थ्रू जब आप ऑपरेशन करेंगे तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप लोग कैश दे के ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ पर उन लोगों का पैसा थोड़ा कम पड़ता है, और उसके साथ आप लोग बोले कि पैसा ज़्यादा नहीं है, कम पे करना चाहते हैं, तो हमारे मैनेजमेंट से बात भी कर सकते हैं, तो वो लोग उसकी टाइम पे थोड़ा आप लोगों को डिस्काउंट देते हैं, जितना हो सके कम करने की कोशिश कर लेते हैं। उसके साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि नारायण सुपर कार्डियक साइंस का जो बिल्डिंग है मेन ब्रांच मोवा 17 में, वहाँ पर जो चाइल्ड पेशेंट होता है, किड होता है, एकदम छोटे छोटे बच्चे लोगों का लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी बोल के, वहाँ पर बच्चे लोगों का बहुत अच्छे से टेक केयर किया जाता है, उन लोगों का अलग से ओटी आईसीयू अलग से बेड किया गया है तैयार। आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का वीडियो में मैं जो भी बात करी या जो भी एक्सपीरियंस शेयर करी वो एकदम पर्सनल है। हम लोग हॉस्पिटल में रुके थे और जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो प्लीज़ सब लोग अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।